Hi everyone, my name is Anuj Jindal. Happy Teachers Day to all of us. Aaj pehla din hai and I believe the only day in the entire year jab thodi si respect students se mil jati hai. Otherwise, the entire year I and the entire team has been trolled by all the students. So let me start with some of the comments that students have put in for us in the entire year. Jo bahut ट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स और मैं जो भी करता हूँ या हम लोग जो भी करते हैं उस पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, नोटिफिकेशन कब आएगा? और किसी को नहीं पता, अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन फेल हो चुकी है और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आप बता दीजिए नोटिफिकेशन कब आएगा. मैं बोलता हूँ नहीं पता. देन स्टूडेंट्स से, सर आपको क्यों नहीं पता है, आप क्यों ही पढ़ा रहे हो जब आपको नहीं पता है. तो नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा, फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे 30 दिन में कैसे तैयारी करें. और अगर मैं बताऊंगा कि 30 दिन में इस तरह से पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे आप अपना कोर्स बेच रहे हो. तो इस तरह के ट्रोल कुछ ना कुछ आते रहते हैं, उसमें से एक मैं पढ़ के बताता हूँ. नाउ दिस वन सेज, दिस गाय ट्रोल्ड मी वेरी हैवीली ऑन कोरा एंड ही गॉट आफ्टर माई लाइफ सेइंग दैट आपने बोल दिया था कि अगस्त में आना चाहिए, लेकिन अगस्त में आया नहीं, तो आपने झूठ क्यों बोला. तो इनकी लास्ट लाइन ये थी कि हराम का पैसे के साथ सिर्फ बद्दुआ आती है, घर कभी नहीं चलता, विच वॉज आई बिलीव वेरी फनी. गॉड्स वॉचिंग बडी, भगवान भी ये लोग बीच में ले आए. अब पता नहीं स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें भगवान का रोल कहाँ से आ जाता है. एक हमारे मेंटर हैं, वो बहुत तेज़ पढ़ाते हैं एंड इट्स वेरी नेचुरल टू हिम, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट स्टूडेंट को वो अच्छा नहीं लगता है. सो वन स्टूडेंट सेड, सर आपका ट्रेन में सो रहा है क्या, पढ़ाना है तो धीरे पढ़ाइए, इतना जोर से क्यों पढ़ा रहे हो. तो देर इज़ नो लिमिट टू वॉट कैन बी डन इन ट्रोलिंग अस, बट आई थिंक इट्स अ पास पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. चाहे क्लासरूम में पढ़ाओ चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ, स्टूडेंट्स विल ऑलवेज बी देयर टू ट्रोल यू. एंड आई थिंक बहुत मज़ा भी आता है, इट्स नॉट ऑलवेज बैड, इट्स फनी एट टाइम्स एज वेल. तो दिस इज़ माई एंटायर टीम. सम ऑफ अस आर नॉट हेयर, some people are very sick, I have also been going through some illness. So, थोड़ा थोड़ा experience सब अपना बताएंगे and they will have some words of wisdom also for you guys, थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे and some bad things, some good experiences of all of us. So, let's start with some of us, कुछ ना कुछ बताओ. Hello friends, so my name is Chetan. So friends, there are some teachers in our life who create a change in our life, they bring a lasting impact. So my objective is to be that kind of a teacher, so that students follow me, they look up to me for their problems. Hi guys, I'm Srishti. आजकल काफी हम digitally dependent हो रहे हैं, which is not good. हमें एक balance बना के रखना चाहिए between the offline mode and the online mode. जैसे मैं अभी अपना example बताऊँ, तो मैं 9 to 6 आपके लिए काम करती हूँ. I make videos, I make content. So what she means to say is that before 9, so her day starts with the newspaper, me and her, both of us discuss the newspaper first thing in the morning. So our target is always to complete the newspaper before 9. So hum log 9 baje se pehle na to apna mobile dekhte hain na hi laptop kholte hain. That is one thing that we have made sure or one thing that we follow. Aise hi 6-7 baje ke baad I try to read something and she also follows the same thing ki kuch na kuch पढ़ना है या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट बाई एंगेजिंग विद पीपल, रियल पीपल, एंड नॉट बाई यू नो पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ लैपटॉप और इन टू योर मोबाइल फोन्स, बिकॉज क्रिएशन ऑफ दैट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो भी बोलें, ऑनलाइन मोड के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट अफेक्ट्स योर कॉन्सेंट्रेशन स्पैन टू अ सर्टन एक्सटेंट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड वाइल यू आर स्टार्टिंग ऑनलाइन और वाइल यू आर एंटरटेनिंग योर सेल्फ ऑनलाइन. जितना ज़्यादा उसको फॉलो करेंगे, इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. द मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट बैलेंस, एज शी सेड, 9 to 6 और 9 to 7, वॉट एवर दैट माइट बी, यू विल सी अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट बैलेंस बिटवीन ऑप्टिमम लर्निंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन इम्पैक्ट दैट ऑनलाइन हैज, ऑनलाइन कॉन्टेंट हैज ऑन यू, वॉट एवर इट माइट बी. Chanchal is the high-tech person. She is from commerce background, so she doesn't know how a laptop works. Usne kabhi dekha nahi tha laptop pehle.
यहाँ आके पता लगा कि ये कुछ होता है, सो शी थॉट कि इम्पोर्टेंट स्टफ और ट्रैश एक ही चीज़ होती है, सो शी मेड सम वीडियोज एंड देन शी पुट इट इन ट्रैश एंड देन आई आस्क्ड हर कि कहाँ है वीडियोज, शी वाज लाइक ये इम्पोर्टेंट होता है ट्रैश, ये बॉक्स इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसमें है ये सब. सो बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉमर्स गाइस स्पेशली आर नॉट वेरी टेक सेवी, तो उन्होंने लैपटॉप कभी देखा नहीं होता लाइफ में, तो थोड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन काम करने के लिए. और हिमांशु को इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलना नहीं आता है, अभी बोल के दिखाएंगे वो. वी हैव रिप्लेस्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद IR. कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जो आपके मतलब मुंह से निकल नहीं पाते हैं, तो आप तो जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसको मैं कई बार बोल नहीं पाता, तो मैंने बोल दिया आज हम IR पढ़ेंगे. सो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी हमने स्टैट्स को बोला स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी नहीं निकल रहा था. तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कभी कभी नहीं निकल पाते हैं. So we've also devised some names, some funny names to people specifically what they do. So Neha carries out Morning Tales, so her name is Morning Tales. Everybody calls her Morning Tales every time. And we have Saurabh, jo ki calls leta hai students ki, who takes a lot of pressure off me because we get a lot of calls every day. और उसका नाम भी सौरभ फ्रॉम अनुज जिंदल है अभी. तो वो जो भी बोलता है ही से सौरभ फ्रॉम अनुज जिंदल, उसके CV में भी वही लिखा है आई थिंक. इन दोनों के नाम भी हैं, जब ही आए थे तो हमने रखा था क्योंकि हमें नाम याद नहीं हो रहे थे इन दोनों के, सरप्राइजिंगली. तो हम लोगों ने विक्रम बेताल नाम रख दिया था. ये साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, दे आर लाइक पार्टनर्स दैट वी हैव. अभी इन दोनों के नाम नहीं है, दे स्टिल ऑफ द हुक. शी हैज सम फनी वीडियोज, उसमें से कुछ ब्लूपर्स एंड में मैं डालूंगा भी, तो यू कैन हैव अ गुड लाफ वॉचिंग एट दोज ब्लूपर्स दैट शी कैरीज आउट. और नाउ आई थिंक चंचल हैज समथिंग टू से. हे गाइस, तो अभी जो बात हुई कि ट्रैश में चीजें रखना, दैट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक, मुझे आता है थोड़ा बहुत. उसके अलावा जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सोचती थी कि टीचर्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें या एनिमेशंस डालें या फिर कोई एग्जांपल को ऐसे पुट फॉरवर्ड करें कि हमारे दिमाग में बैठ जाए, सारा कन्वेंशनल मेथड क्यों. तो अब जब मैं खुद पढ़ा रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एग्जाम्पल्स ढूंढना तो एक हद तक ठीक है, बट उसको एनिमेट करके आप तक पहुँचाना इज़ रियली टफ. बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं. बिल्कुल सही कह रही चंचल, क्योंकि रंग डालना चीज़ों में, कंटेंट को छोटा बड़ा करना, बोल्ड करना, इन सब में टाइम लगता है. जैसे खेलने के मूड में भी कुछ बताए गए. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी गेम्स को भी खेलिए. बेसिकली यहाँ पे आप बेसिकली मेरा बहुत रिपीट होता है, अगर आप गेम्स नहीं खेल रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करी है. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 घंटे में आपकी रिटेंशन पावर भी कम हो रही है. आपकी रिटेंशन पावर 2 घंटे तक रहेगी, उसके बाद आपको ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं हो पाएंगी. सो आप उसके साथ साथ गेम्स भी खेलिए, ब्रेक लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए. सो हम बेसिकली इस टेबल का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा. सो इस टेबल पर हम लंच करते हैं, स्टडी करते हैं और कभी कभी इसको टेबल बनाकर टेबल टेनिस भी खेला करते हैं. टेबल तो ऑलरेडी है, टेबल बना मतलब टेबल टेनिस की टेबल बना के. और गेम्स खेलना मतलब पबजी नहीं होता है, गेम्स खेलना मतलब प्रॉपर गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना, ऑनलाइन गेम्स कम से कम हमें खेलने चाहिए. जैसे सर ने भी बताया हमारा कंसंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, तो हमें ऑफलाइन गेम ज्यादा खेलने चाहिए क्योंकि पढ़ाई के वक्त हमें ऑनलाइन काफी यूज करना पड़ता है. हम लोग पहले हॉकी भी खेला करते थे, अभी बंद हो गया है क्योंकि फर्नीचर बढ़ गया है, टेबल भी आ गई है, तो स्पेस नहीं है अभी. सो नाउ वी हैव शिफ्टेड टू टेबल टेनिस, बट वी यूज्ड टू प्ले हॉकी अलॉट है बिफोर दैट. तो ऐसे थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स करेंगे, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा मजा आएगा. अब एक चीज़ नहीं ऐड करना चाहूँगा मैं, बेसिकली यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की कि मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी बेकार है. सो अगर आपको कोई भी टीचर IR बोल के पढ़ा रहा है या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा है, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो टीचर का R नहीं निकल रहा है सही से, या S में कोई प्रॉब्लम है. अभी मैंने बताया था कि मेरा डिजिटल स्पैन 9 to 7 होता है, 9 बजे से पहले आई ट्राई टू फोकस ऑन द न्यूज़पेपर. तो अभी बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं नीचे, मुझे पता है ट्रोल करने वाले कि सर आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग टेल्स भी तो बनाते हो.
वो करना पड़ता है बिकॉज व्हेन नेहा इज नॉट वेल और शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर, कुछ ना कुछ पेंडिंग टास्क हो जाता है तो मुझे मॉर्निंग टेल्स बनानी होती है, सो आई हैव टू गेट अप एट 4 एंड डू ऑल दोज थिंग्स. बट अदरवाइज मेरा मॉर्निंग में 9 बजे से पहले टास्क होता है न्यूज़पेपर, 2 या 3 न्यूज़पेपर खत्म करना एंड विद ऑल द मॉर्निंग चोरस टू अराइव एट द ऑफिस. और 9 बजे हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं. कुछ बुक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन टेल देम सम बुक्स दैट आई माइट वी माइट हैव रेड रिसेंटली. फॉर एग्जाम्पल आई रेड बाय हरुकी मुराकामी, देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग. सो ही हैज कनेक्टेड रनिंग विद हिज पर्सनल लाइफ, विद हिज कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अगेन, विद हिज वर्क वेरी वेरी वेल, वेरी ब्यूटिफुली. तो उससे पता लगता है वही चीज़ आगे घूम के कि आप कुछ ना कुछ ऑफलाइन, कुछ ना कुछ रियल लाइफ में अपने रिफ्रेशमेंट के लिए करेंगे, इट विल हेल्प यू अदरवाइज एज वेल. सो आई वुड सजेस्ट, रियली सजेस्ट दैट यू गो एंड रीड दैट बुक. इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, 173 पेजेस टू बी एग्जैक्ट. और उस बुक में उन्होंने बताया है बहुत अच्छे से कि किस तरह से वो मैराथन, ही पिक्ड अप मैराथन एंड दैट चेंज्ड हिज एंटायर लाइफ. आफ्टर दैट ओनली ही बिकेम अ राइटर, बिफोर दैट ही वॉज नॉट अ राइटर, ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस मैन. तो ऐसे कुछ और बुक्स भी अगर आपने रिसेंटली पढ़ी हों. Did you read anything recently? So recently I read a book by Robin Sharma, The 5 AM Club. तो उस बुक में उन्होंने बताया कि हमें 5 AM मतलब जल्दी सुबह उठने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो हमें ऐसा लगता है हमारा लाइफ स्टाइल भी आजकल देखे बहुत खराब हो गया, हम लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इससे भी हमारे कंसंट्रेशन लेवल पे, हमारे रिटेंशन पावर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो हमें अभी पता नहीं चलता बट लॉन्ग टर्म में हमें इसका इफेक्ट भी दिखता है. तो उस बुक में काफी अच्छे से बताया गया कि हम इस हैबिट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें. और आपको पता होगा किसी भी हैबिट को इनकॉर्पोरेट करने में 21 डेज या फिर 1 मंथ एक जनरल जो बेंचमार्क होता है उतना टाइम लगता है. तो आप भी अपनी लाइफ में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करें, जल्दी उठने की हैबिट डालें, फिर आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू करेंगे. सो आई रेड अनदर बुक रिसेंटली कॉल्ड द एल्केमिस्ट, वेरी पॉपुलर बुक. मैंने बहुत पहले भी पढ़ी थी वो बुक व्हेन आई वाज प्रोबब्ली इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, बट तब कुछ समझ नहीं आया था. सो आई रेड इट अगेन रिसेंटली एंड द जिस्ट ऑफ द बुक सेज दैट यू विल फाइंड the treasure of life where your heart is. So the basic meaning of this is that if you really know what lies in your heart, if you know and understand what you actually want to do in your life, you will be a more happy person. So instead of running after things, instead of doing things that you feel everybody is doing so they should be good, you should be doing, finding out things which actually make you happy. So all the very best, take care, happy Teachers Day to all of us. Have a nice day. इसे रिलेट करना बड़ा टफ हो जाएगा, सोने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी. मुझे पता चला कि मैंने कोई बुक पढ़ी है कुछ टाइम पहले, तो मैं बहुत मैंने पढ़ी है. मैं बोलने वाली हूँ कि दैट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, इतनी बेइज्जती कर दी आपने मेरी. एडिटिंग करना तो इतना आसान नहीं है. बन गया वीडियो. क्या हो गया? अब देखना माइक लगा रहा हूँ. मतलब पूरी वीडियो में माइक नहीं था? ये क्यों फ्रेंड बन गया था?